हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना आधार कार्ड ओरिजिनल कैसे डाउनलोड करें, वो भी अपने फ़ोन से। हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन से अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ करके लाइक कर दो, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए डाटा टर्मिनल को फटाफट जान लेते हैं। अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, थ्री डॉट दिख जाएगा, यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको अपना क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सर्च बार में आ जाना है और यहाँ से आपको टाइप करना है UDI government.in। दोस्तों यहाँ से आपको सर्च मार लेना है। दोस्तों मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो दोस्तों सर्च मारने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से सबसे ऊपर आपकी जो वेबसाइट होगी UDI government.in, दोस्तों यहाँ सबसे ऊपर वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सबसे ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान से देखेंगे, आपको मिल जाएगा गेट आधार का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ से आपको नीचे देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है लोकेट इनरोलमेंट सेंटर, बुक ए अपॉइंटमेंट, चेक आधार कार्ड, डाउनलोड आधार। तो दोस्तों यहाँ से आपको डाउनलोड आधार पे कर देना है क्लिक। दोस्तों जैसे ही डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ नया पेज ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड नंबर कुछ टाइप करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। जैसे कि दोस्तों अगर आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसे टाइप कर देना है। जैसे कि मेरा आधार कार्ड नंबर है, मैं उसे टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से आई वांट ए मास्क्ड आधार कार्ड पर क्लिक कर देना है, टिक मार देना है। जैसे टिक मार देंगे दोस्तों यहाँ से उसके बाद आपको कैप्चा वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ से आपको कैप्चा सही से फिलअप कर देना है। जैसे कि कैप्चा जो जो लिखा है NUPXZ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ से आपका जो आधार कार्ड में नंबर सेव है दोस्तों वही आपके फ़ोन में तुरंत OTP आ जाएगा। दोस्तों जो याद रहे जो जो नंबर आपने उसमें दिया था आधार कार्ड में वही उसी नंबर पे आपको OTP आएगा। आपको वो OTP सही सही आपको फिल कर देना है। दोस्तों मेरे में जैसे कि OTP आ चुका है, आपको वो OTP फिलअप कर देना है। दोस्तों मेरा OTP है, मैं उसे फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है Did you know that you can order repeat of आधार कार्ड लेटर फॉर्म UDI वेबसाइट। तो दोस्तों यहाँ से आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर आपको नीचे आएगा डे रिसीव रिफरिंग आधार कार्ड लेटर आफ्टर गेटिंग SMS फॉर इंडिया पोस्ट। दोस्तों यहाँ से आपको 11 से 15 दिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों ऐसे ही आपका जो ये आधार कार्ड है आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों PDF के रूप में। ये आधार कार्ड है दोस्तों फुली डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से आपका मेन आता है कि पासवर्ड। दोस्तों जैसे कि आप आधार कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से आपको पासवर्ड मांगता है। दोस्तों ध्यान रहे आपको पासवर्ड वो टाइप करना है जैसे कि इसका पासवर्ड, जैसे कि अगर आपका नाम है धीरज, जैसे कि मेरा नाम है दोस्तों धीरज, तो यहाँ से धीरज का 4 अक्षर जैसे कि DHEE, तो यहाँ से आपको पूरा कैपिटल में लिखना है। उसके बाद 4 अक्षर जैसे कि नाम, जैसे कि कोई भी आपका नाम हो उसका 4 अक्षर आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 15/4/2002 तो यहाँ से आपको जो 2002 है दोस्तों वही टाइप करना है। जैसे कि मेरा नाम है धीरज DHEE, दोस्तों आपको पूरा कैपिटल में लिखना है। उसके बाद बिना स्पेस दिए आपको इसमें लिख देना है आपको जो ईयर है, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, सन है, वही आपको लिख देना है। जैसे कि मेरा है 2002 तो यहाँ से मैं 2002 पे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से आपके सामने आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है दोस्तों खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका अपना आधार कार्ड दोस्तों आपके
फ़ोन में खुल चुका है। दोस्तों ये सिंपल सा ट्रिक फॉलो करके दोस्तों आप अपना आधार कार्ड खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ट्रिक कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।